सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दो या तीन दिन हुआ ओप्पो ने एक फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया है, वो है ओप्पो F11 Pro। और इस फ़ोन को लेकर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में बहुत ही अच्छे अच्छे बात हो रहे हैं कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है, इसका प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन। तो एक्चुअली क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है? इस फ़ोन का कीमत है कुछ 23,000 रुपये। ये फ़ोन लेंगे, ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। तो आज हम जानेंगे ये फ़ोन में एक्चुअली स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका परफॉर्मेंस क्या है और इसके कंपटीशन में मार्केट में ऑलरेडी कौन सा फ़ोन है जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं इस फ़ोन के बारे में और कौन सा फ़ोन है जो इस फ़ोन को कम्पीट करके बहुत ही आगे आता है। दोस्तों, इस फ़ोन के साथ कंपेयर करने के लिए मैंने दो फ़ोन चूज़ किया है, एक है Realme 3 Pro और एक है Samsung A50। ये दो फ़ोन लेने का कारण है इसका स्पेसिफिकेशन कुछ सेम है, परफॉर्मेंस भी सेम है, कैमरा भी सेम है, बैटरी भी सेम है, इसी कारण ये फ़ोन को लेना है। मगर एक फ़ोन जो है Realme 3 Pro, इससे कीमत में बहुत ही कम है मगर स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये फ़ोन को लिया गया है इस बीच में। तो पहले आते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। ओप्पो F11 Pro में जो डिस्प्ले मिलता है वो है 6.5 इंच के FHD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, कोई भी नॉच इस फोन में नहीं देखने को आपको मिलेगा। और Realme 3 Pro में मिलता है 6.3 इंच के FHD प्लस डिस्प्ले एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और Samsung A50 में आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच के FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। यानी कि दो फोन में नॉच है और जो ओप्पो F11 Pro इसमें कोई नॉच नहीं है, फुल्ली नॉचलेस डिस्प्ले है। और एक चीज़ क्या है, ये तीनों डिस्प्ले में Realme 3 Pro और ओप्पो F11 Pro के डिस्प्ले एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। मगर Samsung का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Samsung डिस्प्ले खुद ही बनाता है इसलिए उसका ज़्यादातर फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले के हिसाब से अगर देखा जाए तो Samsung को एक नंबर पे रखा जाएगा और उसके बाद Realme को, क्योंकि Realme का कीमत कुछ है 16,000 रुपया और ओप्पो F11 Pro का जो कीमत है वो है 23,000 रुपया। इसीलिए यहाँ पे Realme 3 Pro के कीमत के हिसाब से डिस्प्ले एकदम सही है, इसीलिए ये दो नंबर पे होगा। और ओप्पो F11 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो, तीनों का तीनों एकदम सेम। और दोनों में तो वाटर टॉप नॉच आता है, मैंने बोला ये Realme 3 Pro और Samsung में, और जो ओप्पो F11 Pro इसमें कोई भी नॉच नहीं है। और एक चीज़ है डिस्प्ले को लेकर, ओप्पो F11 Pro और Realme 3 Pro में मिलता है IPS LCD डिस्प्ले और कॉर्निंग ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ, मगर Samsung में जो डिस्प्ले मिलता है वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कोई भी प्रोटेक्शन इसमें दिया नहीं। अभी आते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। ओप्पो F11 Pro में जो प्रोसेसर है वो है MediaTek P70, Realme 3 Pro में जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 17 और Samsung में जो प्रोसेसर है वो है Exynos 9610। ये तीनों प्रोसेसर ही एक अच्छा प्रोसेसर है। MediaTek का जो P70 प्रोसेसर, ये Realme ने कुछ 9,000 रुपया के एक फ़ोन में दिया था Realme 3 में। और इधर अगर परफॉर्मेंस में देखें तो Realme 3 Pro का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है 710 प्रोसेसर, वो है 710 प्रोसेसर से पावरफुल प्रोसेसर। इसी हिसाब से देखा जाए तो Realme 3 Pro को हम ओप्पो F11 Pro के साथ अगर कंपेयर करें प्रोसेसर को लेकर, तो Realme 3 Pro का प्रोसेसर बेटर है। और ओप्पो F11 Pro और Samsung के प्रोसेसर आप सेम टू सेम बोल सकते हो क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस ही एकदम सेम टू सेम होता है। तो प्रोसेसर की तरफ अगर देखा जाए तो ये जो कंपटीशन है इसमें Realme 3 Pro ग्राफिक्स को लेकर, इसमें ग्राफिक्स क्या रहेगा? MediaTek P70 जो प्रोसेसर मिल रहा है जो ओप्पो F11 Pro में, उसका ग्राफिक्स है Mali-G72MP3। Samsung में भी जो ग्राफिक्स मिल रहा है वो भी Mali-G72MP3। और जो 710 के साथ आता है वो है Adreno 616, यानी कि
ग्राफिक्स में अगर देखें तो ग्राफिक्स में भी Realme 3 Pro का ग्राफिक्स इन दोनों फोनों से अच्छा है। अभी आते हैं इसके स्टोरेज को लेकर। ओप्पो F11 Pro में जो स्टोरेज मिलता है वो है 6GB रैम और 64GB और रोम स्टोरेज भी, और Realme 3 Pro में भी मिलता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज, और Samsung A50 में मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। यानी कि Realme 3 Pro और Oppo F11 Pro के स्पेसिफिकेशन एकदम सेम टू सेम है, और कीमत में Realme 3 Pro उससे बहुत ही कम है। तो देखा जाए तो Realme 3 Pro को हम इस बारे में भी विन कर सकते हैं। अभी आते इस फोन के रियर कैमरा को लेकर। रियर कैमरा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि रियर कैमरा तीनों फोन का अच्छा है। Oppo F11 Pro में जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, जिसका एपर्चर है F1.79, और जो Realme 3 Pro है उसका है 16 प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा, उसका एपर्चर है F1.7, और Samsung के A50 में आपको तीन कैमरा दिखाई देगा, एक है 25 मेगापिक्सल, एक है 8 मेगापिक्सल, एक है 5 मेगापिक्सल का। 25 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है इसका एपर्चर है F1.7, यानी कि कैमरा सेगमेंट में बहुत ही अच्छा है। इसका जो Oppo F11 Pro में जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए, Realme में भी जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए, और Samsung में दो है, एक है 8 को अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो लेने के लिए और एक है 5 को डेप्थ सेंसिंग के लिए। यानी कि अगर पिक्चर क्वालिटी देखा जाए तो तीनों फोनों का पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, मगर कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा Samsung A50 में, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो लेने के लिए एक अलग से सेंसर दिया गया है, और ये तीनों फोनों में आपको LED फ्लैश दिखाई देगा। यानी कि तीनों कैमरा के कंपैरिजन अगर किया जाए तो तीनों फोन का ही कैमरा बहुत ही अच्छा है, मगर कीमत के हिसाब से Realme का रियर कैमरा ये दो फोन से बहुत ही अच्छा है। अभी आते हैं इसके फ्रंट कैमरा को। इसमें जो फ्रंट कैमरा आपको दिखाई देगा वो है 16 मेगापिक्सल का Oppo F11 Pro में, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिखाई देगा आपको Realme 3 Pro में, और 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिखाई देगा आपको Samsung में। यानी कि सेल्फी की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें बाजी मार जाता है Realme 3 Pro और Samsung A50, क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है और 25 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका एपर्चर है F2.0, तीनों कैमरा का एपर्चर है F2.0, यानी कि सेल्फी कैमरा अच्छा है तीनों फोन में, मगर सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा अच्छा आपको चाहिए तो Realme 3 Pro या Samsung A50। मगर Oppo का एक एडवांटेज है, ये जो सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा इसमें मिलेगा आपको पॉप आउट सेल्फी कैमरा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पॉप आउट सेल्फी कैमरा के लिए फ़ोन की कीमत इतना ज़्यादा है। अभी आते हैं बैटरी को लेकर। तीनों फोनों में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, तीनों में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है, तो बैटरी को लेकर कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि Samsung के भी बैटरी अच्छे हैं, Realme का भी बैटरी अच्छा है, Oppo का भी बैटरी अच्छा है। बैटरी की तरफ से देखा जाए तो तीनों फोन ही सेम टू सेम है, और ये तीनों फोन में आपको देखने को मिलेगा Android Pie अपडेट, यानी कि बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है तीनों फोन में सेम टू सेम है। एक ही चीज़ में अंतर है, वो है पॉप आउट सेल्फी कैमरा। पॉप आउट सेल्फी कैमरा के लिए कुछ 6000 रुपया ज़्यादा देना सही बात नहीं है। इस तीनों फोन में आपको देखने को मिलेगा 3.5mm जैक, यानी कि आपको हेडफोन तीनों फोन में मिल जाएगा देखने के लिए। अभी आते हैं इसके फिंगरप्रिंट को लेकर। फिंगरप्रिंट को लेकर भी एक अच्छी चीज़ है। Realme 3 Pro और Oppo F11 Pro में रियर में फिंगरप्रिंट है, मगर Samsung में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। यानी कि फिंगरप्रिंट की तरफ से आपको आप देखोगे तो Samsung का फ़ोन अच्छा है ये दो फोन से, क्योंकि उसमें भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, मगर इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है टोटल फ़ोन के स्पेसिफिकेशन ये तीनों फोन में। अभी आप समझ लो कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा है। आपके लिए कैमरा अगर अच्छा होगा तो Realme 3 Pro अच्छा है, Samsung भी अच्छा है, और Oppo F11 Pro से कीमत भी कम है। दूसरा है बैटरी, बैटरी तीनों का ही 4000 mAh बैटरी है। अगर आप स्टोरेज में देखोगे, स्टोरेज में Samsung में कमी रहेगा, मगर जो आपको Realme 3 Pro मिल रहा है इसमें स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले, आपको अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप Samsung की तरफ जा सकते हो, मगर आपको IPS डिस्प्ले में अगर आप खुश हो तो आप Realme
3 Pro देख सकते हो किसके, क्योंकि Realme 3 Pro का कीमत कुछ 8000 रुपया कम है Oppo F11 Pro से। और सेल्फी कैमरे की तरफ अगर देखोगे आप सिर्फ पॉप आउट कैमरा देख पाओगे Oppo F11 Pro में, वो भी 16 मेगापिक्सल का, मगर आपको Realme में और Samsung में मिलेगा 25 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका फोटो बहुत ही अच्छा आएगा Oppo F11 से, Oppo F11 Pro से। तो आप डिसाइड करो कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा होगा। अगर मेरे ओपिनियन होगा तो आप Realme 3 की तरफ जाओ, कुछ 8000 रुपया सेफ होगा, नहीं तो एक महीना वेट कर लो, आपके पास आ जाएगा Realme X जिसका पॉप आउट सेल्फी कैमरा है, स्पेसिफिकेशन Oppo F11 Pro में जो जो है उसमें भी से वैसे एकदम सही है। मतलब Oppo F11 Pro का अगर Realme में जब आया वो नाम अलग हो गया Oppo Realme X, तो आप कुछ दिन वेट कर लो क्योंकि Realme X जो इंडिया में लॉन्च होगा वो कुछ 15 से लेकर 16 हज़ार के बीच में लॉन्च होगा, तो ये फ़ोन आप बाय कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 22,000 रुपया में अगर फ़ोन लेना चाहते हो तो इस महीने के आखिर तक वेट कर लो। Redmi भी उसका फ्लैगशिप ला रहा है, Poco F2 भी इसी महीने के आखिर में आ जाएगा, और ये दो फ़ोन आपके लिए अच्छा होगा Oppo F11 Pro से। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिल गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।